ऐसी कौन सी चीज है जो आप रोज देख सकते हो पर ला नहीं सकते? सही कहूं? हाँ, पड़ोसन। बच्चों, गेस करो आज मैंने खाने में क्या बनाया है? नहीं पता मम्मी। अरे, जिस नाम से मैं तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ। ए, कोई मत खाना, मम्मी ने कुत्ता बनाया है। बाय बेबी, ऑफिस जा रहा हूँ। जानो तुम ना, जब ऑफिस जाते हो ना तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। अरे बेबी, तुम टेंशन मत लो, इतनी जल्दी वापस आ जाऊंगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यही सोच के तो टेंशन होती है कि मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो, कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर, वहीं पर रात हो जाए। कि मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो, कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर, वहीं पर रात हो जाए। अरे भाभी जी सुनो, आपके पास दो पलंग है ना? हाँ? एक पलंग मुझे दे दो, आज क्या मेहमान आए हैं तो मेरे को जरूरत है। अरे नहीं भैया, आपको पता है एक पलंग पे तो मैं, मेरी सास सोते हैं, एक पे मेरे पति और मेरे ससुर सोते हैं, हम कैसे सोएंगे? अरे भाभी जी, नहीं देना तो मत दो, लेकिन सो तो कम से कम ढंग से जाएगा। घरवाली तो मधुमक्खी की तरह है जी, जो हर समय डंक मारती है, और बार वाली तो तितली है जो मन को रिझाती है, दिल खुश कर जाती है। लेकिन जरा सावधान, ये तितली आपका सारा रस चूस कर उड़ जाती है और फिर कभी हाथ नहीं आती है। और लोगो, फिर याद अपनी मधुमक्खी की आएगी, क्योंकि वो डंक तो मारती है लेकिन आपका घर भी शहद से वही भरती है। इसलिए अपनी धर्मपत्नी का हमेशा सम्मान करें, उसके साथ आदर और प्यार से रहें। इसने सारा रोटेशन बिगाड़े रख दिया है। अरे जब से दुनिया में आई तब तू जला, जब से दुनिया में आई तब तू जला, सारा बंधन और रिश्ता खत्म हो गया। Thank you.
घर में आवेरी